बारिश के बाद अब बिहार में बाढ़ से जबरदस्त परेशानी बढ़ी है। आधा बिहार डूब गया है, लोगों के घर में पानी समा गए। उत्तर बिहार में 26 बरस के बाद बाढ़ के कारण ऐसे खतरनाक हालत बने हैं, तस्वीरें देखकर ही आपकी रूह कांप जाए। दरअसल अब की बार बिहार में गंडक नदी उफान पर है, साथ ही गंगा ने भी रह रहकर बिहार वालों को डराया है। और तो और कोसी का भी कहर कम नहीं है, उत्तर बिहार के कई जिले डूब रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत केडली गांव में, और आपको हम यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो बाढ़ का पानी है वो घर कर चुका है। जहां भी देखिए आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा, और हालात ऐसे हो गए हैं, जलस्तर इस तरीके से बढ़ा है कि बांधों पर भी जो है वो दबाव बढ़ रहा है। और इसी को बचाने के लिए, बांध को बचाने के लिए भी प्रशासन लगातार जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है, और पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालने के लिए SDRF की कई नावों को भी जो है वो सरकार ने लगाया है। और तमाम इन जिलों में जो है SDRF के जो नाव है वो लोग जो है घूम घूम कर जो लोग फंसे हुए अपने घरों में उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे आप ये देख सकते हैं, एक मंदिर है मेरे पीछे, पूरी तरीके से ये जलमग्न हो चुका है। सोचिए जिस जगह पर कभी बसें चला करती थी, कभी कार और जीप चला करती थी, वहाँ के हालात आज ऐसे हो गए हैं कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोगों के घर डूबे हुए हैं, माल मवेशी बचाने के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं। SDRF की टीम लोगों की मदद तो कर रही है, लेकिन ये मदद नाकाफी है क्योंकि पानी की मार ऐसी है कि हर ओर हाहाकार है। हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए पीछे कैसे ये जो घर है ये घर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो अपनी जान बचाने के लिए अपने माल मवेशी को लेकर किसी तरीके से देखिए यहाँ नाव लेकर जो है वो पहुंच रहे हैं, और नाव के जरिए जो है जो कुछ जरूरी सामान था या माल मवेशी था उनको यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और हालात इसी तरीके से जो है पिछले 24 घंटों में नौहट्टा प्रखंड में जो है वो बना हुआ है, क्योंकि बाढ़ का पानी इस बार ऐसा आया है कि लोग हैरान परेशान हैं। इतने वर्षों में, कई सालों में, 50-55 सालों में पहली बार इतना पानी इन लोगों ने देखा है, और इसकी वजह से आप देखिए दुकानें डूबी हुई हैं, घर जो है पूरी तरीके से यहां पर डूब चुका है। सहरसा जिले में कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे हुए, एक एक घर में, ये मतलब कोई ऐसा घर नहीं है सर जिसके घर में पानी नहीं है। बच्चा करा रहा है, माल मवेशी मर रहा है, और प्रशासन के द्वारा एक भी नौका नहीं दिया गया। SDRF कुछ नाव देख रहे हैं, दो नाव चल रहा है, केवल दो, NDRF का दो नाव चल रहा है, वो भी घुमा रहा है, वो भी रेस्क्यू नहीं कर रहा है, घुमा रहा है। सवाल ये है कि उत्तर भारत में इतना पानी एकाएक आया कैसे। बता दें कि बिहार में आए जल संकट के पीछे इस बार नेपाल का हाथ है, क्योंकि नेपाल में जबरदस्त बरसात हुई है। इसके बाद नेपाल ने अपने बैराज के गेट खोले और सारा पानी बिहार की ओर आ गया। अब आलम यह है कि बिहार के 12 जिले पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं।